गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर आज हम बात करेंगे इरिटेबल बावल सिंड्रोम के बारे में जैसा आप जानते हैं कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है विज्ञान ऐसा मानती है कि किसी भी गेस्ट्रंट्रोल क्लिनिक में या पेट पित्त लिवर रोग विशेषज्ञ की क्लिनिक में सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स पहुंचते हैं वो बेसिकली इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के चलते होते हैं लेकिन जब भी इरिटेबल बाबल सिंड्रोम होता है तो हमेशा एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है या कुछ और है प्रश्न आपके मन में भी होता है यह प्रश्न डॉक्टर के मन में भी होता है तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इरिटेबल इरिटेबल सिंड्रोम सिंड्रोम वास्तव में दूसरी किन बीमारियों से और क्यों कंफ्यूज होता है क्योंकि बावल सिंड्रोम कुछ उस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको काफी लंबे समय तक परेशान कर सकती है नाउ इरिटेबल बाबल सिंड्रोम वास्तव में क्या है इरिटेबल बाबेल सिंड्रोम हमारी जो बड़ी आंत है या छोटी आंत है इसकी कार्य प्रणाली में कुछ गड़बड़ी के चलते हैं इसको अगर आप नाम ध्यान से देखें तो इसका नाम ही इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है इसका मतलब यह है कि आंत कुछ इरिटेबल हो जाती है और इरिटेबिलिटी के चलते जो आंत की एक जो मूवमेंट होना चाहिए या उसकी चाल होना चाहिए या उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग होना चाहिए वो वास्तव में गड़बड़ा जाती है नाउ प्रॉब्लम यह है कि इसके जो सिमटमेटोलॉजी है या इसके जो लक्षण हैं बहुत सारे लक्षण इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के दूसरी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे मैच करते हैं तो इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है हमें कि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करें प्रॉब्लम ये भी है कि जो दूसरी बीमारियां जिससे इसके जो सिम्टम्स हैं ये कभी कभी कंफ्यूज करते हैं हमारी जिम्मेदारी है हम है दूसरी बीमारी है जो कि आपके लिए परेशानी का ज्यादा सब हो सकती है ये भी बात सही है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करके डिफ्रेंशियट करना पड़ता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे कोई दुनिया में टेस्ट नहीं है जो मैं ये कहूं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट कंफर्म करेगा इसका मतलब यह है कि इरिटेबल सिंड्रोम को अगर हमें तो जिम्मेदारी बनती में बीमारी नहीं है अगर और कोई बीमारी नहीं है फिर भी आपके सिम्टम्स चलते चले जाते हैं तो यह इंडिकेट करते हैं कि आपको इरिटेबल बाबे सिंड्रोम नाम की बीमारी है Now, जो सिंड्रोम है उसके जो सिम्टम्स है वो वास्तव में ट्रिगर कैसे होते हैं ट्रिगर होते हैं अगर आपको कुछ स्ट्रेस हुई कुछ टेंशन हुआ कुछ एंजाइटी हुई कुछ पेनिक हुआ ये ट्रिगर फैक्टर होगा या कभी कभी कुछ खाने की जो चीजें हैं वो भी ट्रिगर फैक्टर जैसा काम करती हैं जब भी कोई ट्रिगर होगा तो इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो प्रकट हो जाएंगे या सामने आ जाएंगे जो सिम्टम्स सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं लोगों को वो होते हैं एक लेटरिन में परेशानी या तो आपको डायरिया होगा या आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या आपको टेनिस मस होगा या एटन मरोड़ा होगा या आपको डायरिया या हमेशा पेट साफ नहीं होता है और मुझे लगातार एक इनकम्प्लीट इवेक्शन की फीलिंग रहती है अगर आप बार बार लेटरिन जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप सवेरे सवेरे बार बार लेटरिन जाते हैं पता लगा कि आप दिन भर में आठ बार लेटरिन जाते हैं लेकिन आठ में से छह तो आप सवेरे सो के उठने के बाद सवेरे से छह बजे सात बजे आठ बजे नौ बजे दस बजे तक ही चलते चले जाते हैं तो जो इरिटेबल सिंड्रोम है उसमें वास्तव में जो प्रॉब्लम है वो लेटरिन या स्टूल से रिलेटेड होती है और उसमें भी एक इनकम्प्लीटेक् की फीलिंग है वो सबसे ज्यादा लेकिन के बावजूद कुछ और सिम्टम्स आ सकते हैं आपका पेट फूल सकता है आपको गैस की फीलिंग आ सकती है आपको ब्लोटिंग महसूस हो सकती है आपको मरोड़े उठ सकते हैं इन आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में काफी गैस बन रही है जिसके चलते आपको दिक्कत खड़ी हो रही है कभी कभार ऐसा होता है कि पेट में भारीपन के अलावा आपको लगता है कि सीने में और यहां तक आपको जलन भी महसूस हो रही है जो कभी कभी इरिटेबल सिंड्रोम के साथ में आ जाती है

पेट के सिम्टम्स के अलावा बैक लेकर आ, आ सकता है न कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें इरिटेबल सिंड्रोम के बारे में, so one, जो है, ये हमारी में किसी भी प्रकार का कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं करता इसका मतलब ये है कि अगर इरिटेबल बावल सिंड्रोम है सालों साल भी चलता चला जाएगा तो भी हमारी इंटेस्टिन में किसी किस्म का कोई परमानेंट डैमेज नहीं इरिटेबल सिंड्रोम किसी भी स्टेज पर आपको बड़ी या छोटी कैंसर जैसी जो बीमारी है उसकी रिस्क जो ना खड़ी नहीं करता जो ज्यादा है, के बारे में, वो सिर्फ है। जो आपको पेट में महसूस होता है ये बात सही है कि ये जो डिस्कम्फर्ट है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करे या आपकी डेली जो लाइफ है उसको भी थोड़ा सा ये ट्रबल सम बना सकता है बट ये सालों साल चलता चला जाए विदाउट एनी परमानेंट डैमेज टू द इंटेस्टीन और विदाउट रीजिंग एनी रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द इंटेस्टीन ये आपको समझने की जरूरत है Now, जब भी हम बात करते हैं कि आपको इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है तो आपको अपना चश्मा जो है ना एकदम बिल्कुल अलग करके रखने की जरूरत है इन आंख खोल के देखिए कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो इरिटेबल बाबेल सिंड्रोम की श्रेणी में नहीं आते इन सिम्टम्स को बिल्कुल गांठ बांध लें नंबर एक अगर आपको लैटरिन में ब्लड आता है ये इरिटेबल सिंड्रोम की श्रेणी में नहीं आता है। अगर आपको अनएक्सप्लेन वेट लॉस है कि आपका पिछले साल भर में 10 किलो वजन कम हो गया 15 किलो वजन कम हो गया एंड आपको की भी गड़बड़ी है तो ये इरिटेबल सिंड्रोम का लक्षण नहीं है अगर आपको बराबर खून की कमी हो रही है है ये इरिटेबल सिंड्रोम नहीं अगर आपको रोज लो ग्रेड फीवर रहता है तो ये इरिटेबल सिंड्रोम नहीं है अगर आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं जी मिचला रहा है आप खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहे हैं ये इरिटेबल सिंड्रोम की श्रेणी में नहीं आता और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पेट में कोई गांठ है तो यह भी इरिटेबल सिंड्रोम तो यह क्वेश्चन हमेशा खड़ा होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी है है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बीमारी है लेकिन समझने की कोशिश करिए एक है इरिटेबल बाबल सिंड्रोम दूसरी है इंफ्लेमेटरी बाबल डिजीज जो इन्फ्लेमेटरी बाबल डिजीज है ये वास्तव में हमारी जो इंटेस्टीन है इसका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या आप अपनी भाषा में इसे स्वेलिंग भी कह सकते हैं जो इन्फ्लेमेटरी बाबल डिजीज है वो मेनली दो किस्म की होती है एक होती है अल्सरेडोकोलाइटिस और एक होती है क्रॉन्स डिजीज जो अल्सरेडोकोलाइटिस है वो डोमिनेंटली हमारी बड़ी क्रॉन्स डिजीज है हमारी बड़ी आंख छोटी आंख इवन ओरल कैविटी तक को इन्वॉल्व कर सकती है तो ये बेसिकली प्रॉब्लम करती हैं जहां तक इंफ्लेमेटरी बाबल डिजीज का सवाल है साइंस ऐसा मानती है कि हमारे शरीर के अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता वाली एक जो प्रणाली है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं शायद उसकी जो ना प्रॉब्लम है उसके चलते यह दिक्कत खड़ी होती है अगर हम इरिटेबल बाबल सिंड्रोम को देखें तो उसकी तुलना में जो इन्फ्लेमेटरी बाबल डिजीज है उसके लक्षण बिल्कुल अलग है इन्फ्लेमेटरी में आपको लेटरिन बार बार होगी आपको लेटरिन में ब्लड आएगा आपको खून की कमी होगी आपका वजन कम होगा आपको ज्वाइंट पेन भी आ सकते हैं इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो सेहत है वो गिरती चली जाती है इसके अलावा आर सर्टिन अदर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो अगर आपको इरिटेबल सिंड्रोम है आपको कुछ स्किन में प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी कभी आई में भी मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं तो अगर आपको बार बार लेटरिन हो रही है और उसमें ब्लड भी आ रहा है इसका मतलब

तो अगर आपको बड़ी आंत में कहीं कोई कैंसर की जैसी चीज डेवलप हो रही है तो ब्लीडिंग एनीमिया और जो है ना अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिब्यूशन दीज आर दी इंपॉर्टेंट फीचर्स। नाउ जो नेक्स्ट बीमारी कंफ्यूज करती है दैट इज बेसिकली सीलिय डिजीज जो सीलिय डिजीज है एक्चुअली ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या ऐसा मान के चलिए कि गेहूं की एलर्जी जैसी बीमारी ये अक्सर करके तो बच्चों में होती है लेकिन ये एडल्ट्स में भी देखी जाती है कि गेहूं में जो एक प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन कहते हैं उसके चलते है अगर आपको एलर्जी है तो आपको बार बार डायरिया होगा आपको खून की कमी होगी आपकी जो ग्रोथ है उसका रिटार्डेशन होगा इसके अलावा आपको ज्वाइंट पेन स्किन की प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिलियक डिजीज में आ जाती हैं डिजीज पीडियाट्रिक एज ग्रुप या बच्चों में आ जाती है लेकिन कभी कभी एडल्ट भी आती है कभी कभी इरिटेबल सिंड्रोम और डिजीज के जो सिम्टम्स हैं इतने ओवरलैप करते हैं कि कभी कभी हमें इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराने कर पड़ते हैं सो दैट वी कैन एक्सक्लूड सीलियर डिजीज कहीं आपको वो है तो नहीं नौ एक और जो है ना प्रॉब्लम है जो कभी कभी कंफ्यूज करती है दैट इज नोन एज लेक्टोज इंटॉलरेंस क्टोज जो होता है वो एक्चुअली हमारे मिल्क में होता है जो भी हम मिल्क यूज करें चाहे काउज मिल्क यूज करें चाहे बफेलोज मिल्क यूज करें उसमें लेक्टोज नाम की शुगर होती है अगर आपके बॉडी के, के अंदर आपकी इंटेस्टिन के अंदर अगर लेक्टेज नाम का एंजाइम नहीं है तो आपको लेक्टोज के चलते प्रॉब्लम होगी ये परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है या टेम्परे हो सकती है जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को डायरिया होता है उसके बाद उनको दूध पचना बंद हो जाता है तो दिस में भी एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम बट दिस में भी अ परमानेंट प्रॉब्लम एज वेल जब भी आपको लेक्टोज इंटॉलरेंस है आप दूध अगर पिएंगे तो उसके 30 मिनट से लेकर दो घंटे के अंदर आपको पेट में गैस बनने लगेगी पेट फूलने लगेगा गुड़ गुड़ की आवाज आने लगेगी मरोड़े उठने लगे और आपको डायरिया चालू हो जाएगा दिस इज आई मीन बिल्कुल आप इसको बुक पिक्चर मान सकते हैं कि जब भी आप मिल्क कंज्यूम करेंगे तो 30 मिनट से लेकर दो घंटे के अंदर ये सब सिम्टम्स आपको आने लगेंगे अगर हर बार आप डॉक्यूमेंट करते हैं कि आपको दूध पीने से ये सब सिम्टम्स आते हैं इसका मतलब है कि आपको लेक्टोज इंटॉलरेंस है Now, जो एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पेट में भारीपन आना अफरा आना पेट में जलन होना सीने में जलन होना या अपर एपडामन के जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली नॉन अल्सर डिस्पेपिया की श्रेणी में आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पेट फूलेगा गैस होगी जलन होगी यहां भी जलन हो सकती लेकिन इन सब सिम्टम्स का आपकी लेटरिन से कोई भी लेना देना नहीं नॉर्मल होगी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है तो ये बेसिकली नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया की श्रेणी में आता है ये टिपिकली इरिटेबल बावल सिंड्रोम अकेले उसकी श्रेणी में नहीं आता जो एक और बीमारी कभी कंफ्यूज होती है दैट इज बेसिकली डायबेटिकोलोसिस होती तो वास्तव में जो है वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है लेकिन हमारे यहां भी देखी जाती है हमारी जो इंटेस्टीन है उसमें छोटे छोटे आउट पाउचिंग्स डेवलप हो जाती हैं इनमें कभी कभी इंफेक्शन हो जाता है तो डायबेटिकुलाइटिस हो जाती है अगर डायबेटिकुलाइटिस होगी तो यह कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है फीमेल्स ये एक प्रॉब्लम है दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली हमारा अगर आप ध्यान से देखें ह्यूमन बॉडी में इन फीमेल्स जो यूट्रस होता है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें वास्तव में एक जो आ, जो लाइनिंग होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं जो एंडोमेट्रियम है वही बेसिकली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग इसके लिए जिम्मेदार होती है कभी कभी कुछ एबनॉर्मलिटीज ऐसी होती हैं कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो यूट्रस के बाहर भी आ जाता है वो यूट्रस के बाहर आ सकता है वो इंटेस्टिन की सरफेस पे आ सकता है तो फिर जो ना कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होने लगते हैं जो इरिटेबल सिंड्रोम से कंफ्यूज होने लगते हैं बट ये तो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो भी ये सिम्टम्स आएंगे वो हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेशन में आएंगे जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो पेट में दर्द होगा एठन होगी मरोड़ा होगा कमर में दर्द होगा इन जीआई अपसेट आएंगे बट ऑल दी सिम्पटम्स बेसिकली मेंस्ट्रुएशन के साथ ही डिसअपीयर भी हो जाएंगे इसका मतलब है कि एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो आपको जीआई सिम्पटम्स या इंटेस्टिन के कोई भी सिम्पटम्स आएंगे तो वो हमेशा मेंस स्पेशल आएंगे अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो तो इनको समझना समझने की जरूरत है नाउ जब भी आप समझते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो मैं समझता हूं कि इन जान, इन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए जहां तक इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है वास्तव में यह बहुत ऐसा माना जाता है कि ट्रू डिजीज नहीं है इसीलिए इसे सिंड्रोम कहा जाता है इरिटेबल बाबल सिंड्रोम बिकॉज देर इज नो सिंगल काज यह भी बात सही है कि इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के साथ में इंटेस्टिंग की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं आपको आईबीएस के साथ आईबीडी भी हो सकती है आपको आईबीएस के साथ दूसरी बीमारियां भी, भी हो सकती हैं नौ

वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें थैंक यू वेरी मच